T5U प्रोडक्ट के साथ अल्टिमा में प्रीमियम पूल से रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए आपको स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन में अपने वॉलेट में प्रीमियम स्प्लिट टोकन वापस लेने की आवश्यकता होगी। अपने वॉलेट को नवीनतम वर्जन के साथ अपडेट करना न भूलें और स्प्लिट टोकन के साथ लेन देन करने के लिए अपने वॉलेट को एक्टिवेट करें। एक्टिवेशन के लिए बस एक स्मार्ट को अपने वॉलेट में ट्रांसफर करें। यह भी ध्यान दें कि टोकन वापस लेने के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी, इसलिए स्प्लिट टोकन की निकासी के लिए D5U वेबसाइट पर डैशबोर्ड खोलें और ऊपरी दाएं कोने में प्रीमियम स्प्लिट को चुनें। सबसे ऊपर बाईं ओर आपको पे आउट बटन के साथ अपना उपलब्ध माय प्रीमियम स्प्लिट बैलेंस दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको निकासी के लिए बैलेंस राशि का चयन करना होगा। अवेलेबल प्रीमियम स्प्लिट बैलेंस का चयन करें और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करें। खुलने वाली विंडो में आपको अपने प्रीमियम स्प्लिट वॉलेट का पता, वॉलेट एड्रेस, पता स्मार्ट वॉलेट में कॉपी किया जा सकता है, कॉलम में पेस्ट करना होगा। कॉपी किए गए पते को पते के बगल वाले कॉलम में पेस्ट करें। निकासी के लिए प्रीमियम स्प्लिट की राशि इंडिकेट करें और ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड दर्ज करना होगा। गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन खोलें और एप्लीकेशन में वर्तमान कोड को उपयुक्त फील्ड में दर्ज करें। यदि आप सब कुछ सही ढंग से करते हैं तो आपको एक संदेश दिखाई देगा कि टोकन निकासी का अनुरोध तैयार किया गया है। जल्द ही टोकन आपके निर्दिष्ट वॉलेट में पहुंच जाएंगे। पेआउट की हिस्ट्री आपको पेआउट्स हिस्ट्री सेक्शन में मिलेगी। यदि आपके कोई सवाल हैं तो कृपया सपोर्ट से संपर्क करें और हमें आपकी मदद करने में खुशी होगी।